Good morning, kids. In the last class, we had done about the traditions in European society, industrial revolution. Now we'll be doing colonization. What is colonization? Colonization signifies the subjugation of a country by a more powerful कंट्री. नाउ कॉलोनाइजेशन क्या होता है? उपनिवेशवाद. एक देश जब दूसरे देश में जाके वहाँ का सारा रॉ मटेरियल और वहाँ का सारा धन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है, लाता और उनको अपने नियंत्रण में रखता है, उसे कहते हैं अपना एक कॉलोनी बनाना. तो वो कॉलोनाइजेशन, इंग्लैंड ने पूरे एशिया क्षेत्र के अंदर कई देशों को अपना कॉलोनी बना रखा था. यहाँ से वो जैसे कॉटन ले जाते थे, कपड़ा बना के यहाँ ला के बेचते थे, तो वो रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिर यहाँ से बेच के पैसा भी ले जाते थे. इस तरह से अपनी कॉलोनीज़ को वो अपने मेन लैंड के बेनिफिट के लिए यूज़ करते थे. सो ये कॉलोनाइजेशन एक तरह से प्रतीक है दिखाने के लिए कि वो कैसे सब्जुगेशन यानी दमन, कैसे दमन करते हैं एक पावरफुल कंट्री, एक कम पावरफुल कंट्री को कैसे दबा के उसका दमन करती है, उसका एक उदाहरण है कॉलोनाइजेशन. नाउ इट अकाउंट्स फॉर मेनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. इसकी वजह से क्या होता है, ये कारण होता है कई सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस का उस कॉलोनी में, जिस देश की वो कॉलोनी, जैसे इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी थी, तो इंडिया में कितने चेंजेस आए ब्रिटिशर्स आने के बाद में. चेंजेस इन द कंट्री दैट इज रूल्ड, जो कि रूल की जा रही है. दिस कंट्री इज कॉल्ड अ कॉलोनी. जैसे हमारा इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी कहलाता है, ब्रिटेन की कॉलोनी कहलाता था. व्हाइल द कंट्री दैट रूल्स इट इज कॉल्ड द इंपीरियलिस्ट कंट्री. तो यहाँ पे ब्रिटेन जो था वो इंपीरियलिस्ट कंट्री था और इंडिया जो था वो उनकी एक कॉलोनी थी. द फंडामेंटल गोल ऑफ द इंपीरियलिस्ट कंट्री इज टू एक्सप्लॉयट द इकोनॉमी ऑफ इट्स कॉलोनी. तो फंडामेंटल यानी मौलिक गोल, बेसिक आधारभूत क्या उनका गोल होता था, उद्देश्य क्या होता था, कि जिस कंट्री को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखा है उसका शोषण कैसे किया जाए और उसका अर्थव्यवस्था पे असर डालते थे, अर्थव्यवस्था ख़राब कैसे की जाए वहाँ से धन का. उनका इंटेंशन ये तो नहीं होता था कि अर्थव्यवस्था ख़राब कर दी जाए, वो अपना फ़ायदा देखते थे. अपना फ़ायदा देखने में अपनी जो कॉलोनी होती थी उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ख़राब कर देते थे. तो जो कॉलोनी होती थी उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ख़राब हो जाती थी. एंड डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है, उसी पे सारा ध्यान केंद्रित होता था और करते भी ऐसा ही थे. ब्रिटेन ने इंडिया के साथ ऐसा ही किया. यहाँ से निकलने वाली हर चीज़ उन्होंने लिमिट से ज़्यादा निकाली, बाहर विदेशों में बेचने के लिए निकाली. यही नहीं कि वो एक ब्रिटेन की ज़रूरतों को पूरी करने जितना ही ले रहे हों, उन्होंने उसको एक व्यापार बना लिया कि भाई हम और रिच कैसे हो जाएं. इंडिया में अगर कोई चीज़ निकल रही है तो हम उसको खूब खूब निकालें और ब्रिटेन की ज़रूरत तो पूरी करें, विदेशों में भी बेचें और खूब धन कमाएं. तो ऐसा उन्होंने हर कॉलोनी के साथ किया, जिसमें जहाँ जो मिलता था उसका खूब भरपूर में उस चीज़ को निकाला, यूज़ किया पूरे वर्ल्ड में पैसा कमाने के लिए. और जिस देश से वो धन निकल रहा है उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता था, उस देश को उनका शोषण भी किया जाता था. कॉलोनाइजेशन लीड्स टू पॉवर्टी इन द कॉलोनी. अब जब कॉलोनी बना तो वहाँ क्या हो जाएगा, पॉवर्टी आएगी, गरीबी आ जाएगी. जो इंडिया में हुआ, वो ही तो तनख्वाह तय करते थे कि कारीगर किस तनख्वाह पे काम करेंगे, रॉ मटेरियल वो ही देते थे, खुद के देश का रॉ मटेरियल लोग खुद नहीं खरीद सकते थे. यानी कारीगर रॉ मटेरियल अपने ही देश से नहीं खरीद सकता, कच्चा माल उसको अंग्रेज़ों के थ्रू वो खरीदना है और बना के उन्हीं को बेचना है, या फिर जो तनख्वाह पे हैं वो तनख्वाह भी उनकी वो अंग्रेज़ ही तय करते थे. तो इस तरह से क्या होता था, पॉवर्टी बढ़ती गई, गरीबी बढ़ती गई. एंड ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी फॉर द इम्पीरियलिस्ट कंट्री. और जो इम्पीरियलिस्ट कंट्री यानी ब्रिटेन, वो प्रॉस्पर होती गई, वो समृद्ध होती गई, वो और रिच होती चली गई. वर
Domestic industries grow on the raw materials and resources drained out of the colony. और वो जो imperialist country है या जो ruling country है जो कि ब्रिटेन थी इंडिया के लिए, वहाँ नई नई industries खुलना, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना और जो रॉ मटेरियल यहाँ से निकाल के इंडिया में से ले जाते थे और वहाँ पे वो सामान बनता था, फिर विदेशों में बिकता था, तो वो काफ़ी शोषण उस देश का होता था। तो इंडिया का शोषण बहुत ज़्यादा किया ब्रिटेन ने, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए, यहाँ देश एक रिच सोने की चिड़िया कहलाती थी जो देश, उसको एक गरीब देश में तब्दील कर दिया, पूरा बदल दिया, यहाँ का सारा धन ले गए, राजा महाराजाओं के धन भी उठा उठा के ले गए, काफ़ी जो ये खजाना होता था वो भी वहाँ के ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे वो शिप्स में भर भर के ले गए। तो इस तरह से इंडिया को उन्होंने गरीब देश बना दिया था। कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। इन 1600 अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश ट्रेडर्स फाउंडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में कुछ लोगों ने, ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन के कुछ लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई लंदन में। वी हैव रेड इन क्लास 7 हाउ थॉमस रॉय द एनवॉय ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट सिक्योर्ड फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर सर्टेन ट्रेडिंग राइट्स फ्रॉम द मर्चेंट्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम पहले 7th में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि थॉमस रॉय एक दूत था। दूत कौन होता है? मैसेंजर, जो कि मैसेज लेके आता है। तो किंग जेम्स फर्स्ट जो ब्रिटेन के राजा थे उनका एक दूत जो था, उसने मुगल एम्परर जहांगीर से कुछ राइट्स, कुछ अधिकार, सर्टन व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लिए थे। किसके लिए? अपने व्यापारियों के लिए, जो व्यापार करने वहाँ से आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, उन व्यापारियों के लिए उसने ये अधिकार प्राप्त कर लिए थे, कुछ अधिकार जो कि मुगल राजा जहांगीर ने उनको दे दिए थे। अबाउट अ सेंचुरी लेटर फारुख शियार अ लेटर मुगल रूलर ग्रांटेड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग राइट्स टू ब्रिटिश मर्चेंट्स थ्रू अ रॉयल फरमान। चलो जहांगीर ने राइट दिए थे व्यापार करने के, पर बाद में फारुख शियार एक बाद वाला मुगल रूलर, उसने और भी ज़्यादा ट्रेडिंग के, व्यापार के अधिकार उनको दे दिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और नहीं देने चाहिए थे, बट फारुख शियार ने वो उनको दे दिए। एक किसके द्वारा दे दिए? एक फरमान जारी किया और उसके थ्रू उनको ये अधिकार दे दिए। फॉलोइंग इट्स वाइसरॉय इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर। अब क्या हुआ? उनको ज़्यादा अधिकार दे दिए। क्या अधिकार दिए थे यहाँ मेंशन नहीं है, पर मैं बता दूँ, उन्होंने मांगा कि भाई हमारा इतना सामान यहाँ रहता है तो हमारे सामान की लूट हो जाएगी, तो हमें एक किला बनाने की इजाज़त दी जाए, कुछ सिपाही रखने दिए जाएँ जिससे कि हम अपनी और अपने सामान की सुरक्षा कर सकें, क्योंकि हम पूरे इंडिया में व्यापार के लिए इधर उधर जाते हैं तो हमें एक जगह दी जाए। तो वो उनको इजाज़त मिल गई। अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया? सामान के साथ साथ फौजें और गोला बारूद भी रखना चालू किया। फिर क्या किया? उन्होंने एकदम से अटैक कर दिया। काफ़ी तादाद में जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने अटैक कर दिया और आसपास के एरिया को कब्जा करने लगे। जहाँ पे जो राजा लोग या सामंत लोग कमज़ोर होते थे तो उनके एरिया पे लोग कब्जा कर लेते थे। तो उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनको एक पॉलिटिकल पावर और मिल गया, उन्होंने जगह को कब्जा कर लिया, ठीक है, डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकेम पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश कॉलोनी। इससे क्या हुआ? ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस तरह से ये लोग कब्जा करते गए और गोला बारूद इकट्ठे करते गए, फौज इकट्ठे करते गए। अब तो उन्होंने इंडियंस को भी अपनी फौज में रखना चालू कर दिया और वो पैसे लेके अंग्रेज़ों के लिए अपने ही देशवासियों के साथ लड़ने भी लग गए, क्योंकि वो गरीब थे, उनको पैसों की ज़रूरत थी, तो वो ऐसा करने लग गए।
सो धीरे धीरे क्या हुआ, वो कब्जा करने लगे और पूरा उपमहाद्वीप के कई पार्ट ब्रिटिश की कॉलोनी में तब्दील हो गए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मतलब है आसपास के जो देश मिला के एरिया है, ये पूरा पाकिस्तान तो खैर इंडिया ही था तब अंग्रेज़ों से पहले, बट हाँ इनकी कॉलोनी जो थी वो म्यांमार में भी थी, साउथ में श्रीलंका और इंडोनेशिया वगैरह में भी इनकी कॉलोनी बन गई थी। तो पूरा सब कॉन्टिनेंट पर इन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली थी। दस द कंपनी दैट केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द मास्टर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस तरह से जो एक कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार करने के लिए आई थी, वो मास्टर बन के बैठ गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश हु रूल्ड द कंट्री टिल 1947। और इंडिया एक कॉलोनी बन के रह गया ब्रिटिश की, ब्रिटेन की, जहाँ पे उन्होंने 1947 तक रूल किया। वी विल रीड अबाउट दिस एंड मोर डिटेल लेटर इन दिस बुक। सो इसके बारे में, ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया के बारे में आगे के चैप्टर्स में आएगा, तब पढ़ेंगे। अभी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ दिस लेसन। सो नाउ व्हाट वर द मेजर चेंजेस विच केम। अ नंबर ऑफ चेंजेस came about in different spheres of life during 190 years of British colonial rule. British ने 190 years तक rule किया और इस दौरान बहुत सारे changes आए, politically भी, socially भी कई तरह के changes आए। Let us take a brief look at them. हम थोड़ा सा उन changes के बारे में देखते हैं। Geographical changes. Now geographical changes क्या आए थे उस समय। In 1757, Indian subcontinent was divided into a number of kingdoms. जब मुगल राज कमज़ोर हुआ था, मुगल्स रूल कर रहे थे लास्ट में ब्रिटिशर्स के आने से पहले, तो जब उनका रूल कमज़ोर हो गया था तब काफ़ी सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था पूरा किंगडम। वैसे भी डिवाइडेड होता है, अगर राजा रूल कर रहा होता तो हर जगह तो वो हो नहीं सकता, तो वो दूसरे राजाओं को ये अधिकार देता है और वो उसके अंडर में होते हैं, वो टैक्स भरते हैं। सपोज़ जैसे इंडिया के अंदर जब मुग़ल रूल था तो जो राजस्थान के अंदर कई स्टेट्स थे, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, तो ये लोग क्या थे, वो डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे, मुगल्स डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे थे, यहाँ पे इन रूलर्स का राज था, यानी जयपुर का राजा जयपुर में राज कर रहा था। कुछ मोटे मोटे कानून मुगल्स ने लगाए थे वो मानने पड़ते थे, बाकी वो खुद ही राज करते थे और टैक्स कलेक्ट करते थे। जयपुर के राजा ने टैक्स कलेक्ट किया, मान लो उन्होंने 100 मोहर कलेक्ट की, तो ये तय होता था कि उस 100 मोहर में से 25 मोहर दिल्ली जाएगी मुगल्स के पास में। तो ऐसे हर राजा से वो टैक्स लेते थे और उससे फिर उनका पूरा अपनी खुद की फौज भी वो रखते थे और सारा देश का सिस्टम जो खर्चा चलाते थे वो इस ढंग से चलाते। वो देते कुछ नहीं थे कि वो जयपुर के राजा का कुछ दे रहे हो, नहीं। अगर जयपुर के राजा को कोई प्रॉब्लम है, बाहर से कोई अटैक कर दिया है, तो वो मैसेज भेज सकता है कि मुझे फ़ौज की मदद चाहिए और मुझे और फ़ौज चाहिए, क्योंकि खुद की फ़ौज भी एक होती थी राजा के पास में और वो फ़ौज और सेंटर से मंगा लेते थे। तो इस तरह से ये प्रोविंसेस थे जिसमें कि पूरा किंगडम डिवाइडेड होता था। इसके अलावा ये तो एक मुगल्स का हो गया, इसके अलावा इंडिपेंडेंट भी होते, जैसे मराठाओं के अंदर भी बहुत सारे छोटे राजा थे, मुगल्स के अंडर में भी राजा लोग थे और कुछ इंडिपेंडेंट थे जिनको कि किसी को टैक्स नहीं भेजना पड़ता था, वो खुद ही रूल कर रहे थे, तो उनके भी छोटे छोटे राज्य होते थे। लाइक हैदराबाद, बंगाल, अवध एक्सेप्टेड द नॉमिनल रूल ऑफ द डिकेइंग मुगल्स। उनके वो क्या था कि नाम मात्र के लिए मुगल्स के अंडर में थे, जैसा मैंने अभी जयपुर का एग्जांपल दिया, वैसे ही ये जो थे नाम मात्र के लिए मुगल्स के अंडर में थे, जो कि ख़त्म होते की कगार पे था। डिकेइंग मीन्स एक ख़त्म होता मुगल राज्य था, जहाँ के रूलर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो अच्छे से रूल कर सके। जैसे पहले वाले मुगल्स थे, बाबर, अकबर, वो स्ट्रांग होते थे, बट ये बाद वाले मुगल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, नाम के राजा थे, उनको कभी भी हटाया जा सकता था और वो हटा भी दिए गए। कईयों ने धीरे धीरे
उनके अंडर में जो राज्य थे उनमें से कईयों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर दिया था, इंडिपेंडेंट मान लिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंट हैं, मुगल्स के अंडर में नहीं है। तो ऐसे भी थे, पर ये जो है हैदराबाद, बंगाल, अवध, इन्होंने नाम मात्र की मुगल्स की डोमिनेशन मान रखी थी। देयर वर ऑल्सो सम इंडिपेंडेंट किंगडम्स, जैसा मैंने बताया, सच एज दोज रूल्ड बाय द मराठास। मराठास खुद के अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, अपने राज्य पे राज करते थे। देन देयर वर राजपूत्स एंड जाट्स, जिनके अपने राज्य थे जो रूल कर रहे थे। ओवर द नेक्स्ट 190 ईयर्स द ब्रिटिश केम टू एस्टैब्लिश देयर डायरेक्ट रूल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एंड मेंटेन देयर स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट रूल ओवर ऑल अदर लोकल किंगडम्स विच केम टू बी नोन एज प्रिंसली स्टेट्स। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वो पूरे डायरेक्ट रूल में आ गए, काफ़ी इंडिया के मेजर पार्ट पे वो डायरेक्ट रूल में आ गए, और कई जगह पे वो लोकल रूलर्स जो कि उनके अंडर में थे, जैसे मैंने बताया जयपुर मुगल्स के अंडर में अपना राज चलाता था, वैसे ही ब्रिटिशर्स के अंडर में कुछ लोकल रूलर्स अपना राज चलाते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे बट सिर्फ टैक्स लेते थे, ठीक है। विच केम टू बी नोन एज प्रिंसली स्टेट्स, और उनको क्या बोला जाता था, प्रिंसली स्टेट्स। इन 1947 व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड कंप्राइज्ड ओवर 565 प्रिंसली स्टेट्स एंड द डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इस तरह के प्रिंसली स्टेट्स जो कि इंडिपेंडेंट थे या कि ब्रिटिशर्स के अंडर में थे वो टोटल थे 565, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज भी थी जो ब्रिटेन खुद से राज करता था, डायरेक्टली राज करता था। नीचे के मैप में मैं आपको शो करती हूँ, आप ज़रा स्क्रॉल करें और देखें, ये इंडिया का मैप दिया हुआ है विच इज़ शोइंग। इसमें जो डार्कर पार्ट है, जो रेड कलर का है, दैट इज़ ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था, और बाकी का पोर्शन जो है वो येलो कलर का, लाइट येलो, दैट इज़ प्रिंसली स्टेट्स, यू कैन से क्रीम कलर में जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर इनडायरेक्ट रूल था ब्रिटेन का, और रेड कलर में वो जहाँ पर डायरेक्ट रूल था उनका। Now political changes. The British rule in India was first established under the East India Company. ठीक है, सबसे पहले British rule India पे किसने किया था, East India Company, जो आई थी यहाँ ट्रेड करने के लिए। पहले उन्होंने ट्रेड किया जहांगीर से ट्रेडिंग राइट्स लेके, उसके बाद उनको फर्रुखशियार ने एरिया पे एक एरिया दे दी बनाने के लिए, अलाउ कर दिया जहां पे कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए फोर्ट बना के और फौजें रख सकें, और फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ से बढ़ते बढ़ते कब्जा करते करते काफ़ी बड़े टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के टेरिटरी पे कब्जा करके अपना रूल बना लिया। हाउएवर आफ्टर 1857 द ब्रिटिश क्राउन और द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया एंड रूल द कंट्री टिल 1947। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक कंपनी थी ब्रिटेन की, अब ब्रिटेन क्राउन ने यानी ब्रिटेन के राजा ने, और वहाँ राजा तो नहीं थे, रानी थी, तो ब्रिटेन की रानी ने उसको डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में ले लिया, यानी कि अब वो ब्रिटेन का ही एक कॉलोनी बन गया। पहले वो कंपनी के अंडर में था, कंपनी से ब्रिटेन ने ले लिया, ब्रिटेन का खुद का एक क्षेत्र हो गया, वो एक कॉलोनी बन गई। ये कब हुआ, 1857 में, जब ब्रिटिश क्राउन ने पूरा का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में इंडिया का एरिया को ले लिया और उस पर राज किया 1947 तक। अनदर स्ट्राइकिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट वॉज द इमर्जेंस ऑफ अ कोहेरेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल बाय पीपल अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नाउ एक और चीज़ क्या हुई, विचित्र सी बात हो गई, एक अलग ही जो स्ट्राइक करती है हमारे दिमाग में कि हम हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, तो उनके ओपोजिशन में एक कोहरेंट यानी कि क्लियर ओपोजिशन इमर्ज हुआ,
ठीक है, ये जितने भी थे बाल लाल पाल और ये गांधी जी वगैरह, ये जिन्होंने मिलके कांग्रेस बनाई थी और वो कांग्रेस उनके खिलाफ आंदोलन करती रहती थी और उनके खिलाफ लड़ती रहती थी, अपनी बात रखती थी, एक ओपोजिशन में बैठती थी, जैसे अभी गवर्नमेंट रूल करती है तो दो पार्टी है या मेनी पार्टीज यूँ कह लें कि जो रूलिंग पार्टी है उसके बाद ओपोजिशन में बैठते हैं लोग, वो ओपोजिशन वाले रूलिंग वालों की कमियां निकाल के उनको बताते रहते हैं। तो वैसे ही एक ये डेवलपमेंट विचित्र सा हुआ था उस समय कि वहाँ पे एक क्लियर ओपोजिशन ऑर्गेनाइज हुआ था ब्रिटिश रूल के अंदर बाय द पीपल अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर उनके खिलाफ एक ओपोजिशन इमर्ज हुआ था लोगों का। इनिशियली दिस ओपोजिशन केम फ्रॉम लोकल ज़मींदार, शुरू में ये ओपोजिशन किसने किया, ज़मींदार्स ने किया, पीजेंट्स यानी किसानों ने किया, सीपॉयज यानी कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने किया, एंड ट्राइबल पीपल यानी जनजाति के लोगों ने किया, क्योंकि ये उनके अधिकारों का हनन करते थे, उनके राइट्स को क्रश करते थे। सब्सिक्वेंटली इट बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड, फिर क्या हुआ, पहले तो ये अलग अलग करते थे, फिर ये लोग ऑर्गेनाइज हो गए, इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए कि हम अकेले अकेले तो इतने शक्तिशाली नहीं रहेंगे, हमें दबा दिया जाएगा, क्यों ना हम इकट्ठे होकर करें। तो पहले ज़मींदार साथ आए, फिर किसान शामिल हो गए, सीपॉय हो गए, सब मिल के इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया धीरे धीरे, ठीक है। डिफरेंट सेक्शंस के लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने लग गए, डिफरेंट सेक्शन यानी ये हो गए पीजेंट्स अलग सेक्शन हो गए, किसान वर्ग अलग हो गया, ज़मींदार वर्ग अलग हो गया, इस तरह से अलग अलग वर्ग के लोग इकट्ठे होके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि ब्रिटिश के खिलाफ था। इसमें इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के लोग जुड़े हुए थे, समाज के लोग जुड़े हुए थे। द अदर मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और एक और मुख्य पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या था कि उन्होंने यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, कानूनी लीगल सिस्टम बनाया कि भाई ये जजेस होंगे, हर तरह जो अभी सिस्टम चल रहा है वो कमोपेश उन्हीं का दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स का है लॉ सिस्टम जो है इंडिया के अंदर। देन द मिलिट्री सिस्टम एंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रूलिंग करने का ये सब बनाया, और ये सब क्या था, एक तरह से ये बैकबोन की जैसे वर्क करता था, इनके थ्रू ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाई और फिर इसके थ्रू ही वो इंडिया पे रूल करते थे, और आज भी हम ज़्यादातर वो ही फॉलो करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया ज़रूर है, बट इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो पहले से चली आ रही थी, जो ब्रिटिशर्स ने फॉर्म की थी, वो अभी भी इसमें कंटिन्यू हैं, कुछ में चेंजेस लाए गए हैं पर कुछ अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं। तो ये दो मेजर चेंजेस आए कि उनके ऑपोजिशन में लोग खड़े हुए और उन्होंने एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बनाया ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल करने के लिए, जिसमें उन्होंने अलग अलग क्षेत्र बांट के मिलिट्री अलग, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग और कानूनी लीगल स्ट्रक्चर अलग बनाया, इनके थ्रू उन्होंने इंडिया पे रूल किया। सो आई विल वाइंड अप इट हेयर ओनली, इन द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द इंडियन नेशनलिज्म। ओके, सो गुड डे फॉर टुडे।